हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वर्तमान पढ़ा पे एप्लीकेशंस ऑफ बायट्स अवार्ड्स लॉ। ओके, पहले लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले बायट्स अवार्ड्स लॉ। ओके, बायट्स अवार्ड्स लॉ डिस्कशन करथिले। सो आज हमें डिस्कशन करबा तार एप्लीकेशंस विषय रे हमें डिस्कशन करबा। ता भीतर फर्स्ट एप्लीकेशन आसीबो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। गोटे लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पई हमर हला मैग्नेटिक फील्ड केते होबो सोइटा आमे कैलकुलेट करिबा यूजिंग कौन बायट्स अवार्ड्स लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी हैव ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई। एक्स वाई कौन पहले गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग ए करंट आई थ्रू इट फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स टू वाई को से करंट कैरी करछ। ओके, करंट माने एक्स टू वाई आड़ को करंट जाउछ। हेले एट एनी पॉइंट पी हला पी गोटे पॉइंट एट ए डिस्टेंस बा एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज ए हला सपोज ए होची कोन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एट दिस डिस्टेंस वी वांट टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर हला ना। ए करंट कैरिंग कंडक्टर पाए हला केते हमर कोन होची ना हला हमरो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ए एट एनी डिस्टेंस ए फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज दिस पॉइंट इज क्यू हला ना। ए पॉइंट मन कर क्यू हला ताहले एठी हमरो मैग्नेटिक फील्ड केते हो सेटा हम कैलकुलेट करबा को चाहौ। ओके, सो वी कैन कंसीडर दिस वायर कनसीस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स है गुड़ाए करंट एलिमेंट एटा क्यारि करना कनसीडर कर पार। सपोज सचे करंट एलिमेंट ओके सचे करंट एलिमेंट डीएल है एट पॉइंट ओ ए पॉइंट सपोज ओ पॉइंट गोटे स्मॉल करंट एलिमेंट अच्छे डीएल है फ्रॉम दिस पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पी ए एनी पॉइंट बा एनी डिस्टेंस पाखर आम कौन करा ना ये पॉइंट है केते हम मैग्नेटिक फील्ड से कैलकुलेट करवा। सो सपोज ओ क्यू और दिस डिस्टेंस इज एल ए डिस्टेंसटा के एल। ओके, एंड दिस पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस आर दिस पॉइंट पी एट इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ पॉइंट रु एटा आर डिस्टेंस रे अच्छे हला ना आर डिस्टेंस रे पॉइंट अच्छे। एंड दिस करंट एलिमेंट सपोज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ दि कौन विथ दिस ओपी वेक्टर जानी पार्छ ना ये जो डिस्टेंस वेक्टर आसा ओपी वेक्टर ओपी वेक्टर सहित आम यहाँ कौन होना करंट एलिमेंटा कौन होना थीटा एंगल करुच्छी सच दैट वी कैन अप्लाय दि बायट्स अवार्ड्स लॉ। ओके, बायट्स अवार्ड्स लॉ अप्लाय करने आम थीटा एंगलटा आम नेले। सो आम जहाँ जहाँ कनसीडर कले से फर्स्ट ऑफ ऑल आम फर्स्ट टे डिस्कस कर लिखिदे तापर आम आगे बढ़िया बा आम है कौन करवा ना बायट्स अवार्ड्स लॉटा अप्लाई करवा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर्ड और कंसीडर ए स्ट्रेट हला कंडक्टर गोटे स्ट्रेट कंडक्टर कनसीडर करचे एक्स वाई हला करंट करंट आई एंड दिस कैरिंग ए करंट आई आई करंट ये कौन कौन क्यारि कर एंड देन पी इज द पॉइंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए व्हेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो लेट पी इज द पॉइंट एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ओके फ्रॉम द कंडक्टर। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आमर हला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन अच्छे ए डिस्टेंस अच्छे सच दैट पी क्यू इज इक्वाल टू ए जो पी क्यू नहीं आई से पी क्यूटा होते ना ए हो गला। ओके, पिले पी क्यू जो पिले तुम ए डिस्टेंस है आम कौन कले पिले आम आ गए करंट एलिमेंट नेले हला एलिमेंट डीएल गोटे कनसीडर कले हला
put at point O, DL is the current element at point O, at a distance L, at a distance कौन थी L from Q, Q point रो आमे L distance रा आमे गोटे current element consider करछे, ओके प्ले, next आमे कौन करछे, again consider a small current element DL at a distance L from Q, उठो पिले Q रो, ओके, Q at O, को पोजिशन रे, O पोजिशन रे, आमे कौन कर लेना, वोड़े current element consider करचे, ओके, हले, पूर्व रूप ले P is a point at a perpendicular distance, conductor such that PQ equal to N H, where एठी हम कौन कर रहे हैं वेयर वी वांट टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड हला एडा लिखले भी चलबो न लिखले भी चलबो त मानु खाली जानिबा पय म खाली लिखि देले ओके हमरो सेही पॉइंट रे हम कौन करछ ना मैग्नेटिक फील्ड टा हम एक्चुअली कैलकुलेट करबा को चाहौ छै सेही पॉइंट रे तमरो मैग्नेटिक फील्ड या केते हौ छै ओके प्ले सो नाउ हम कोन कर सारले ना एल डिस्टेंस करंट एलिमेंट मते नै सारले वर्तमान हम कोन करिवा ना हला ए जो एंगल अछि एंगल डक हम डिफाइन करबा एंगल थीटा को हम डिफाइन करबा ओके नाउ नाउ द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर और करंट एलिमेंट वेक्टर एंड R vector hala, is theta as shown in the figure. Amo chitra diya jai thala bada R vector and DL vector. DL vector on karne chiba. DL vector ra, aw R vector vitra distance. Amaro kono uchi na amaro angle hochi kete na theta. Okay, now hala, therefore applying बायोट समर्स तो हले ए पॉइंट रैम कौन करें ना बायोट समर्स तो जब अप्लाई करेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर और डीएल बट डीबी वेक्टर बट डीबी सिंपली डीबी इज इक्वल टू कितने नहीं करेगा म्यू जीरो बाय फोर पाई आई इनटू डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कौन है ना डिस्टेंस रो स्क्वायर ही होगा ओके प्ले सो नाउ एठी हम कौन करबा ना आउ केतरा जिंस हमें आउ केते टिके डायग्राम को आउ टिके हमें बढ़ेबा हला ना प्ले केमती बढ़ेबा देखो प्ले हमर दुटा एंड को एक्स पी एंड कौन करबा ना वाई पी को हमें जॉइंट कर दवा हला ना नाउ लेट अस जॉइन कौन एक्स पी एंड कौन वाई पी हला ना प्ले एक्स पी आ वाई पी को हमें जॉइन कर दो हला काहे की जॉइन कर दिया मु लास्ट पे ओके प्ले हला ओके जॉइन कर दला को सच दैट वी हैव और सच दैट लेकिन सब माने वी हैव कौन पाई पर पॉइंट पाई ला हमें ना एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू सपोज हमारे डैश लगते ना फाइव ओके ओ पी क्यू एंगल इज फाइव ओके ये जो स्मॉल एंगल टा आसला एटा हला कोन तमरो फाइव ओके हला हेले फाइव एंगल हला आउ बाकी जो रहला पले ए जो रहला हला एंगल एक्स पी क्यू इज इक्वल टू फाइव वन एंड एंगल वाई पी क्यू हला वाई पी क्यू इज इक्वल टू केते फाइव टू Well, that means this angle is phi 2 and this angle is hala edge angle nalla eda hocchu phi 1 hala xpq is the phi 1 and ypq is phi 2 okay pile eda igala gota hala phi 1 gota hala phi 2 okay therefore hala ama sei hisab re am kon kari pariya pile na we have hala from ट्रायंगल ए जो ट्रायंगल अछि ओ पी क्यू हला फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू हला थीटा प्लस फाई इक्वल टू
90 degree theta plus phi equal to 90 degree because hello sum of three angles of a triangle is 180 degree. So this implies theta is equal to 90 degree minus phi. Okay, 90 degree minus kita angle phi angle and cos phi. Okay, cos phi equal to kita jibo jodi cos phi jodi na by t cos phi equal to kita jibo na base by hypotenuse. So base by hypotenuse ta kita asibo base hochi kete na tamara a by hypotenuse is r a by kete asira tamara r. Okay pile, so this implies am jodi r na r is equal to a by cos phi r equal to kete likhi pariba ame a by cos phi. Okay, similarly, suppose that is our equation 2 and this is equation 2. This is equation 1 and this is equation 2. Similarly, tan phi, the tan phi equal to the tan phi is equal to the this is L by A because perpendicular by our base. Perpendicular by base is equal to tan phi. So perpendicular is L divided by base is A. So this implies L is equal to 8 tan phi. Okay, this is equation 3. Okay, now differentiating differentiating equation 3 with respect to equation 3 we get this implies DL is equal to DL is equal to आपका differential DL है गला A is constant tan phi और sorry पहले tan theta हो tan phi is equal to sec square phi into के तहत वो d phi sec square phi into के तहत सिला d phi सिला चले इतने जगह में कहीं कॉल ले पहले ये जो theta हो ची tan ये जो हम कौन करे theta जगह theta वाले पके परिवार 90 minus phi इस पके परिवार आप कौन अच्छे DL अच्छी इटू DL रो भेला हम पके परिवार जो R अच्छी आर रो हेलो में पके परिवार हेलो ये जगह हमें कहीं नहीं ले सब जगह बड़े कांस्टेंट हिसाब रे कहीं काट चुके ना ये जो हेलो जगह अच्छी पिले आई इतने हमें कौन करी परिवार ने ना ये जगह हेलो जगह हमें ये जो एयर ऑफ हेलो हमें जानी थी भाई पॉइंट पॉइंट पाई हेलो फायर ऑफ हेलो हमें काढ़ी परिवार किंतु थीटा काढ़ी वाटा कॉस्ट ऑफ पिले एंड अलग जगह मतलब काढ़ी वाटा टिक के प्रॉब्लमेटिक अच्छी सो सेट पाई हम ये जगह पर आपको पहुंची. ओके सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन कते 1 सो 2 3 4 रो भेलो जगह हम कोन पेवा इक्वेशन 1 रे पके दवा हला. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट हम कोन पाइबा दिस इंप्लाइज dv और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट dl dv इज इक्वल टू कते गला ना म्यू 0 बाय 4 पाई हला टू करंट i dl रो वैल्यू कते आसला प्ले a into sec square phi a into कते आसला sec square phi into d phi मु d phi टा पर लिखिबी हले इट कोन अछि sin थीटा थीटा जगह हम करते लिखिबा 90 minus phi 90 minus कते आसला phi होल डिवाइडेड बाय इनटू एटा कते आसला d phi होल डिवाइडेड बाय r square जगह हम कते लिख परबा हला a square बाय cos phi रे square हला बा जोडा को हमें एमति मधे लिख परबा दिस इज इक्वल टू s a हला दिस इज इक्वल टू कोन r इज इक्वल टू a हला केते sec phi. सो एटा केते गला a square sec square phi तार स्क्वायर टा r स्क्वायर टा केते सला a square sec square phi हे गला. ओके प्ले सो a square sec square phi हे गला रो देखो प्ले एटा चेंजेस कोन हे जाउची ना दिस इंप्लाइज db और आवर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई इनटू a गुटे a कैंसिल हो गला सो a रहिला sec स्क्वायर 5 sec स्क्वायर 5 कैंसिल हो गला sin 90 minus phi इज इक्वल टू cos phi इनटू केतेसला d phi cos phi इनटू केतेसला प्ले d phi हो गला. ओके सो मोर इन टर्म्स ऑफ phi मोर पड़ जासला को cos phi and d phi इन टर्म्स ऑफ phi एंड d phi वी हैव कैलकुलेटेड the कोन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी पी पॉइंट रे हमरो मैग्नेटिक फील्ड केते होला से जान पाला. वर्तमान देखो जो फायर रो वैल्यूटा एई पॉइंट रे जेतला हमरो एक्स पॉइंट रे जेतला हमर करंट एठी अछि सेते बेले हमर करंट एपड गला वाला स्टार्ट होची इठु हम मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होई पॉइंट रे. सो एई पॉइंट रे थिला बेले हमर फाई टा केते होला फाई 1 आसला एई पॉइंट रे गला वाला को हमर केते होला से एंगल टा केते होला हमरो करंट एलिमेंट से एंगल टा कोन होई गला फाई 2 हे जाउची. ओके प्ले फाइव वन टू
फाइव टू हो जा जानी पे जेहेतु फाइव वन टू फाइव टू हो जा हिसाब से आम कौन हो हिसाब से आम वैल्यू जाक चेंज कर जानी पे है ना। सो देख फाइव वन टू फाइव टू है आउ कौन आम ये जे लिमिट आम इंटिग्रेशन करना यार वैल्यू जाक आम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करदे पार। ओके सो पे से आम कौन करना पे आपको आम इंटीग्रेट करवा देख नाउ पे है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू होल कौन होल कंडक्टर इज बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो बाय फोर पाए ए इंटू कॉस फाइव इंटू कौन अच्छे कॉस फाइव इंटू डी फाइव एंड फाइव वेरीज फ्रॉम फाइव वन टू फाइव टू फाइव टाइम तो वेरी है फाइव वन रु फाइव टू वेरी है के लिए फाइव वन टू कौन आसा फाइव टू जाए से वेरी करुच्चे। ओके पे आमर से हिसाब से ये आसा पे दिस इज इक्वाल टू केवल कॉस फाइव इंटीग्रेशन हम म्यू जीरो बाय फोर पाए इंटू ए आमर कौन आसा कन्स्टाट हिसाब पलिसा कॉस फाइव इंटीग्रेशन साइन फाइव। ओके एंड कॉस फाइव इंटीग्रेशन के साइन फाइव एंड फाइव वन टू फाइव टू। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू केगला पे तुम मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाए इंटू ए इंटू के साइन फाइव टू माइनस साइन फाइव वन साइन फाइव टू माइनस के लिए साइन फाइव ऑफ वन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर ये आसा कौन पे गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर पर आसा कौन मैग्नेटिक फील्ड चलना पे मैग्नेटिक फील्ड आमर एति आस। ओके बर्तमान आम देखा पे आर स्पेशल केसेस जाक देखा। ओके नाउ पे आम स्पेशल केसेस देखा। ओके स्पेशल केसेस रे फर्स्ट केस आम कौन देखा ना सपोज जो जो पॉइंट आम डिस्कशन करूँ दिस पॉइंट इज एट मिडिल है ये पॉइंट कौन अच्छे सिमेट्रिकली मिडिल पॉइंट रे अर्थात ये जब आम एटा जो क्यू जोटा नहीं थे क्यू पॉइंट कौन अच्छे पे मिडिल पॉइंट रे अच्छे जदि मिडिल पॉइंट रोच पे देख आमर ये जो एंगेलटा यहाँ जो बढ़ुच्छे यहाँ जी एंगेल हम यहाँ गोटे फाय है यहाँ कौन आस फाइव। सो गोटे आमको ना पड़ो कौन पे तुम है माइनस फाइव गोटे रहा प्लस फाइव गोटे तलूक रहा माइनस फाइव ऊपरटा रहा कौन है पे तुम प्लस फाइव कहीं पे ये आम कौन हाफ रहा तले हाफ रहा आउ ते हाफ डिस्टास्टा ते ऊपर को हाफ रहा तौक को हाफ रहा। सो यही केस कौन कर जो आम अच्छी है फाइनल एक्सप्रेशन जगह आम दीटा जगह फाइव पकेबा अर्थात आमर फाइनल एक्सप्रेशन बी इज इक्वाल टू कैसे आसा तुम मैंने डिटेल्स लिख लिखे व्वेन दि पॉइंट इज सिचुएटेड सिमेट्रिकली विथ रेस्पेक्ट टू टू एंडस अफ दि कंडक्टर है पॉइंट इज सिचुएटेड सिमेट्रिकली विथ रेस्पेक्ट टू एंडस अफ दि कंडक्टर देन है तुम जो अच्छी है आमर कौन नहीं पार आमर जो अच्छे पे फाइव वन इज इक्वाल टू आम कितने नहीं पार माइनस फाइव एंड फाइव टू इज इक्वाल टू आम नहीं पार के ना फाइव सिंपली प्लस फाइव है माइनस फाइव गोटे प्लस फाइव गोटे। सो से केस रे बी फैक्टर बा बी इज इक्वाल टू के म्यू जीरो बाय फोर पाए इंटु ए फोर पाए इंटु आम के ए ने केस रे फोर पाए इंटु ए नाला बेलू आम के ना आमर बाकीटा के पे ना इंटु साइन फाइव टू माइनस साइन फाइव वन। ओके यहाँ थी एक्सप्रेशन सो दिस इज इक्वाल टू म्यू जीरो बाय फोर पाए म्यू जीरो आई। ओके म्यू जीरो आई गोटे पे रईटा मुझे भूल गले बोध लिखला बेलू कौटी गोटे छाड़दे ये आई अच्छी पे मुझ नेक्स्ट स्टेप कौन करना आईटा मुझे छाड़ दे आई सब थे गोटे गोटे रेन्ट आम सब थे रोब। ओके सो म्यू जीरो बाय फोर पाए सो म्यू जीरो आई इटू साइन फाइव माइनस अफ साइन माइनस फाइव माइनस अफ आसला साइन माइनस फाइव। ओके माइनस माइनस प्लस हो सो म्यू जीरो बाय फोर पाए इंटु आई इंटु टू साइन फाइव और सिंपली दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो आई बाय टू पाए इंटु ए टू पाए इंटु ए इंटु साइन फाइव। ओके साइन फाइव ये तुम कमी आसला पे आर पर अधा आर पर अधा दुटा मिसीगला भाया तुम्हारा हो गला। ओके पे जाणी
सो सिमिलरली एटा होची केस 1 स्पेशल केस 1 आ गडे केस 2 आमे देखिबा केस 2 रे कोन हिबो मन कर सपोज हला सपोज ए जो कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ जदि इनफाइनाइट लेंथ रे हला पले पॉइंट पी टा इठी होची एटा मधे धीरे 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 कोन होना एंगल टा पाखरे होची माने कोन होची छोटो एंगल होची धीरे धीरे एंगल बढी बढी किना जाउची जदि इनफाइनाइट लेंथ होची पले धीरे धीरे लास्ट कोन हिबो पले एटा हला माइनस पाई बाय टू हो जो ऊपरटा कौन हो पे प्लस पाई बाय टू ओके पे एपटे अधा माइनस रेपटे अधा प्लस रेसो सो सही केस कौन हो पे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू है म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय टू पाए इंटू ए इंटू सैन पाए बाय टू सैन नाइंटी इक्वल टू के लिए वन सैन नाइंटी इक्वल टू जेहतु वन आसा यहाँ के म्यू जीरो आई बाय टू पाए ए है 2 pi a. This is the magnetic field intensity or this is the maximum magnetic field intensity. आमरो पढ़ाया इसलिए. ओके पिले ए केस तो हमारे तीसरे से ना ए केस ना तीसरे ना अब ए केस रे जो साइन फाइ जो दिया इतने जो पके दबो हला साइन फाइ जो दिया पके दबो आमरो इतने जो थला हला सही केस रे आमर जो दिया इतने थला पिले आमरो साइन इतने जो दिया साइन फाइ जो दिया कड़ी बा इधर कौन सी हो एल बाई हला हला कौन आसो एल बाय आर आसो एल बाय आर आसले पिले से हिसाब रे पके देला हम हमर आ गोटे एक्सप्रेशन से हिसाब रे बाहर पड़िबो ओके सो सेटा दरकार नाही पिले साइन फाइ रखले मन चलिबो सो दिस इज ऑल अबाउट द कौन हमर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर ओके पिले वर्तमान हम पढ़िबा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग हो एडा पिले हम तमन को बुझे देबे तम माने कोन करिवो ना हेलो कौन करा तुम नोट्स करना मत पठेब ओके सो देख गोटे करेन्ट क्यारिंग लूप अच्छी गोटे सर्कुलर करेन्ट क्यारिंग लूप अच्छी लूप अर्थ पे एक्चुअली सर्कुलर जिन लूप कहा जाए गोटे करेन्ट क्यारिंग लूप अच्छे ये करेन्ट क्यारिंग लूप आम कौन कैलकुलेट करा चाहे ना मैग्नेटिक फील्ड एमती छाड़िकिना टे रो पे कहीं कॉलटा तो पे हेला टी बुलना आसिकना कौन हम ना एमती रोक है पूरा बुलिकिना आसिकना तुम मैं पाखे थे बुझे था बुलिकिना करेन्ट येना दुटा एम बुलिकिना सैड्रे पलब ओके सो आमर गोटे कम्प्लीट सर्कल रहा आम कनसीडर कर अर्थात करंट मन कर एपटा आमर जाला करंट कौन होना पहले एमती फ्लो होला सेंटर रे आम कैलकुलेट करवाक चाहूचे जो मैग्नेटिक फील्ड के जो करंट क्यारिंग लूप रेडियस के सपोज आर सो डेफिनेटली ये सब कौन हो जेकोसी गोटे पॉइंट जब कैलकुलेट करा ये 90 डिग्री एंगल रे रो सो ये पॉइंट गोटे आम एगेन कौन कर गोटे डीएल गोटे करना गोटे करंट एलिमेंट आम कनसीडर करवा आ जो एंगल टा आसो पे 90 डिग्री एंगल आसो एंड करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप करंट के फ्लो होने आई करंट मन कर आ भर कहीं फ्लो हो सो आम जदि स्मॉल करंट एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड आम कैलकुलेट करवा डीबी इज इक्वल टू कौन आसो म्यू जीरो बै फोर पाए अप्लाई कौन बैट्स अफ बैट्स लॉ म्यू जीरो बै फोर पाए इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रा स्क्वायर बा आर स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाए इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा बा केते जो साइन नाइंटी इज इक्वल टू वन लाइडा केते जो साइन नाइंटी डिग्री बिकज ए एंगल टा सब कौन हम 90 डिग्री रहा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाए इंटू आई डी एल ओके डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एंड द कंप्लीट एलिमेंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड डीबी रो कौन हो इंटीग्रेशन बी इज इक्वल टू कते गला डीबी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी व्हिच इज इक्वल टू कते हो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो बाय फोर पाए इंटू आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर इज कांस्टेंट हियर सो आम नहीं पार म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय फोर पाए इंटू आर स्क्वायर इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डीएलटा गोटे एलिमेंट सर्कुलर लूप रो इंटीग्रेशन कले कौन हो ना पे आर सर्कमफेरेन्स पलैसो सो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू के म्यू जीरो बै फोर पाए इंटू आई है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू टू पाए आर सो फोर पाए रु टू पाए कैनसल होगा के टू आर रु गोटे आर कैनसल हो गला सो दिस इम्प्लाइज मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू के म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय के रिले गोटे आर कैनसल हो जाए कैनसल हो जाए सो डिवाइडेड बाय के टू आर ओके पे सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ ए कौन आसा करंट कैरिंग लूप एंड द इफ है ये सेंटर आसा इफ दिस लूप इज कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स जब आर एनटा टर्म्स अच्छे देन मैग्नेटिक फील्ड भी इज इक्वल टू सिंपली गोटे आम कौन करवा एन गोटे मल्टीप्लाई करदे एन आई बाय
टू आर ओके बोले एति आसे बोले आमर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एस हला सो करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर ओके बोले सो तुम माने केमती देखिबो कंसीडर ए करंट कैरिंग लूप कैरिंग ए करंट आई ओके करंट ए कैरिंग आई एंड इट्स रेडियस इज आर एट द सेंटर ऑफ द हला वी यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ हला सो कंसीडर ए करंट एलिमेंट डीएल एट करंट एलिमेंट डीएल एट एनी पॉइंट ओके देन द रेडियस वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द डीएल सो अप्लाइंग पार्ट्स ऑफ आर्ट्स लॉ डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर एंड एज साइड तल लिखो दिस इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाई आईडीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर एज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ओके तापर एटा पळे आसीला नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर फील्ड एंटायर लूप कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन ओके इंटीग्रेट कर देला हमको मिल जीव से हिसाब से मैंने इंटीग्रेट कर देव ये जाए पड़ेस एंड इफ द लूप इज कंसिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स देन मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय टू आर ओके पहले सो दिस इज दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ कौन बैट्स ऑफ आर्ट्स लॉ यहाँ कौन कहते तुम एप्लीकेशन ऑफ बैट्स ऑफ आर्ट्स लॉ ओके पहले थैंक यू फॉर वाचिंग है ना।